रामायण के संदर्भ में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है वो है कि मृत्यु के समय रावण की आयु कितनी थी। इसको समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि समय की जिस गणना की हम बात कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये कि जब कोई कहता है कि रामायण 14,000 वर्ष पहले की कथा है, तो ये याद रखिए कि ये वैज्ञानिकों ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का कालखंड बहुत पहले का है। पहले तो इस बात को जान लीजिए कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। कहीं किसी ने कहा है कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था, किसी ने कहा है वो 80 लाख वर्ष का था या कुछ और। एक बात समझ लें कि अगर कोई रावण की वास्तविक आयु बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। रामायण में ना रावण की आयु और ना ही श्री राम की आयु के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन इन दोनों के शासनकाल के विषय में जानकारी दी गई है जिससे हम इनकी आयु का अंदाजा लगा सकते हैं। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों यानी कि कुंभकर्ण और विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला। इसके अतिरिक्त रावण के शासनकाल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो 72 चौकड़ी के हिसाब से रावण ने कुल 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में ये वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा और उसी समय उसने शिव तांडव स्त्रोत की रचना की। हालांकि ऐसा उसके लंका शासन काल में ही हुआ, इसलिए इसे अलग से नहीं जोड़ सकते। तो रावण के शासन काल और तपस्या के वर्ष मिला दें तो 11,000 प्लस 28,800 यानी 39,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष की तो थी ही, इससे भी अधिक हो सकती है, अर्थात वो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे, इसके बाद उन्हें वनवास हुआ। उस हिसाब से वनवास के समय श्री राम 37 और माता सीता 30 वर्ष की थी। तत्पश्चात 14 वर्षों तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया, अर्थात 51 वर्ष की आयु में श्री राम ने 40,000 वर्ष के रावण का वध किया। तत्पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष अर्थात 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाद, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत होगी। विभीषण तो चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। जामवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे और श्रीराम से आयु में बहुत बड़े थे, वे भी चिरंजीवी हैं, तो वे आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम भी रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे और वे भी चिरंजीवी हैं। कर्तवीर अर्जुन आयु में रावण से भी बड़े थे, किंतु परशुराम ने अपनी युवा अवस्था में ही उनका वध कर दिया था। इन सब से अलग उत्तर रामायण में भी ऐसे बहुत से वर्णन हैं जिनसे हम राम और रावण की आयु के बारे में जान सकते हैं। अगर आप उस विषय पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आदेश दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।